हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय प्रभास पर। दोस्तों, जैसे जैसे दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, यहां पे ज़रूरत है कि सुविधाओं का विस्तार किया जाए। सुविधाओं के विस्तार में सबसे पहले यहां पे पार्किंग, उसके साथ साथ एक अच्छा रनवे, साथ ही साथ एक अच्छे सिविल एनक्लेव की ज़रूरत है जिसके माध्यम से यहां पे यात्रियों को फ़ायदा हो सके। दोस्तों, इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए यहां पे एक बड़ा एक्शन हुआ है। दोस्तों, दरभंगा जिला प्रशासन ने दरभंगा एयरपोर्ट के पास रानीपुर से 78 एकड़ के एक जमीन के प्लॉट यानी कि ग्रीन फील्ड एरिया को चुन लिया है, जिसे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए अधिकृत किया जाएगा। और दोस्तों, इसकी एक रिपोर्ट बना के बिहार सरकार और नागर विमानन मंत्रालय को भेज दी गई है। दोस्तों, यदि हम इस 78 एकड़ जमीन की बात करें तो इसमें जो 24 एकड़ जमीन होगी वो होगी रनवे के लिए, यानी कि इस पर रनवे बनाया जाएगा। और जो 54 एकड़ की जमीन होगी बाकी बची हुई, इसमें सिविल एनक्लेव और पार्किंग, इन दोनों ही चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा, यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। अब दोस्तों, हमें देखना होगा कि बिहार सरकार और जो हमारी केंद्र सरकार है यानी कि नागर विमानन मंत्रालय, इस पे क्या एक्शन लेता है और कब तक यहाँ पे जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है और कब से यहाँ पे जो फिजिकल वर्क है, चाहे हम बात करें रनवे की या फिर सिविल एनक्लेव की, वो चालू हो पाता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।